ओए 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 ओ शिट इधर कोई है, उधर कोई है, चल 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 का का हाय मैं नाम ओम और यहाँ का फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके देख लेना। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट जब बना लें किसी लड़की की जोर जोर की आवाज़ आ रही है की तरफ से, कोई आवाज़ थी अजीब सी, वो आवाज़ कैसी थी पता नहीं, जैसे कोई लड़की चिल्लाई जोर से। तो अभी हमारा इंट्रो भी नहीं हुआ, थोड़ा सा देख लेता हूँ चल के। कुलदीप खड़ा है वहाँ पे लाइट लेके, मैं थोड़ा आगे जाके देख के आ रहा हूँ। नहीं बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम दोबारा से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक ना अजीब सी आवाज़ आई हमारे यहाँ पे आते ही, और यहाँ की स्टोरी में मैं बताता हूँ। लास्ट वीडियो में पता नहीं क्या हुआ था कि जो मेरा इंट्रो था ना वो डिलीट हो गया अपने आप ही। मैं बताता हूँ स्टोरी क्या थी। एक लड़की थी, मतलब जैसे मिडिल क्लास फैमिली से थी, मतलब डाउन, मतलब कुछ ज़्यादा ही गरीब थी। तो उसकी जब शादी जब हो रही थी तो उसके ससुराल वाले थे, उन्होंने डिमांड की थी कि हम शादी करेंगे तो किसी, मतलब जैसे होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे इधर, मतलब सबके इधर ही लगभग अक्सर ये होता होगा कि पार्कों में शादी, जैसे कि पायलों की आवाज़ समथिंग ये फिर से आ रही है, उधर से आ रही है। हाँ लाइट फिर से उठा के फिर से देख। क्या हुआ उस पत्र के पास, उस वो जो टीले, क्या टीले के पास ना, चल एक बार देखते हैं। सारे कुत्ते आ गए बाहर, जैसे उन्होंने कुछ को देखा हो। एक लाइट दे, मेरे को लाइट दे। वो छोड़, वो टीले के पास क्या है, वो मेरे कुत्ता ही लग रहा है, वो जो ऊपर बैठा हुआ, ये जस्ट यहाँ पे है ना, ये जब जूम कर दिया मैंने, आसाल पास करके देखते हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा, हवा जोर की चल पड़ी, पर चल चलते हैं। ससुराल, लड़की के ससुराल वाले थे, उन्होंने कहा था कि हम शादी करेंगे तो आप ना अच्छी जगह, उन्होंने बहुत मुश्किल से फार्म हाउस में अरेंजमेंट कर दिया। तो लास्ट टाइम पे क्या हुआ, जब बारात आ चुकी थी तो उन्होंने मतलब डिमांड ये कर दी कि हमें ना पैसे बढ़ा दो, मतलब 4 लाख से 6 लाख कर दो। और पता नहीं कोई कार थी, मतलब नॉर्मल कार, शायद आल्टो वाल्टो दे रहे थे, तो उन्होंने बढ़ा के, मतलब शायद स्विफ्ट की कोई डिमांड करी थी, मतलब कुछ अलग बढ़ा देते, उन्होंने डिमांड बढ़ा देती अपनी ज़्यादा। तो लड़की को लगा कि यार मेरे परिवार इतना कैसे करेंगे, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मतलब उसके फादर लास्ट में रोने लग गए थे, जाके अपनी पगड़ी वगड़ी रख दी थी कि यार हमारी इज्जत का सवाल है वगैरह। मतलब इतना सब कुछ लड़की को देख के लगा कि यार ये सब कुछ ना मेरी वजह से हो रहा है, आज जो भी हो रहा है। तो उसने क्या किया, फार्म हाउस से निकली, एंड इस तरफ फार्म हाउस है, वहाँ से निकली कि जो रोड दिख रहा होगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आई और ट्रक यहाँ से जाते हैं थे पहले। अब रात का टाइम है, मतलब अब लोग रात को ना यहाँ से निकलते भी नहीं है, अब नहीं निकलते। एक टाइम था यहाँ से रातों को हर टाइम गाड़ी जाती थी, उस दिन भी ट्रक को रात को जैसे होता है कि नो एंट्री खुल जाती है रात के 10 बजे के बाद, तो यहाँ से ट्रक जा रहे थे। तो उस वो आई और सीधा ट्रक के नीचे आके उसने अपनी जान दे दी। तो उस दिन के बाद कहते हैं कि वो यहाँ भटकती है, जो भी यहाँ जाता है उसको वो बहुत परेशान कर देती है, उसको लोग देख के यहाँ खाइयों में गिर जाते हैं, कोई इस खेतों में गिर जाता है, कई लोग का उसको देख के मतलब कई बहुत बार एक्सीडेंट हुआ। तो लास्ट बार जो मेरे साथ हुआ था, क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा? कुलदीप ट्राई करेगा बात करने की, क्योंकि मेरे साथ तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। कुलदीप कह रहा है कि मैं बात करूँगा, ट्राई करूँगा। और जब से मैं आया ना यहाँ पे, मैं बहुत अजीब अजीब चीज़ें फील तो हो रही हैं आते के साथ ही, क्योंकि ये रोड ना इतना ख़तरनाक है कि रात को यहाँ पे सूर्यास्त के होने के बाद कोई भी आना पसंद नहीं करता, और हम आए हुए हैं ये भी। कुछ दिख रहा है क्या? आवाज़ आ रही है उस तरफ से रोड की तरफ ना, हम सोच रहे कोई दिख जाए, क्या कोई है यहाँ पे? कुछ तो हो नहीं रहा, क्या मैं कुछ अप करके दिखा सकता हूँ, हमें नुकसान पहुँचा सकते हो? ये अपने आप गिरे, कैसे गिरा है? के पीछे देख के होंगे, तो नहीं होंगे, देख के आते हैं। कोई बेटा हमारे ऊपर ही गिर जाए, ये ऊपर कैसे गिर जाए? उधर कोई है, उधर कोई है, चल चल चल। कहाँ किधर? यहीं था कोई, आजा इधर है साहब। मतलब लड़की थी लड़का था? नहीं ऐसे नहीं दिखा भाई,
और था कोई इंसान। अरे यार ये देखियो हवा चलने लगी। उई कौन है वो? देख 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 कितनी जोर की चल रही हवा है। हवा चलने लग गई। ये हमारे ऊपर ना गिर जाए, टेंट टेंट टूट सकती है। और उई देख कुछ तो हो रहा है, कोई तो है, कोई चल रहा है भाई। देख कोई चल रहा है, और देख बहुत जोर की हवा चलने लग गई। कोई तो है कुलदीप, ऐसी जगह खड़ा हो जहाँ पे पेड़ ना हो। और इस रोड पे यार तो हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। शिट यार कुलदीप ऊपर से गिर रहा है, सर पे गिर जाता है तो। और जगह पेड़ ही है भाई, थोड़ा इधर खड़ा हो, थोड़ा आगे खड़ा हो, उस जगह चलते हैं, पेड़ ना हो। हम थोड़ा इस जगह खड़ा होना चाहते जहाँ पे पेड़ ना हो। कोई तो है यहाँ पे यार। ये बड़े पत्थर बज कैसे हैं यार? और ये पत्थर ही टूट गया पूरा, इसमें अलग हुआ है, इससे अलग हुआ है देख जैसा अभी। ये जो छोटा, ये छोटा दिख रहा है छोटे पे लाइट मारेगा, छोटे वाले पत्थर पे, ये इससे अलग हुआ है अभी जस्ट। यार इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे हट हो रहे हैं यार? कोई तो है यार। लाइट बंद कर एक बार, देखो ये ना इस लाइट से तो दिख ही नहीं रहा है कौन खड़ा है। बोल वो लाइट चालू कर, लाइट चालू करो, बोल कहाँ खड़ा है ये रहा, काफ़ी दूर है ये। एक काम करते बोलते पास चलते, क्या बोलता है चले? कोई आदमी, अजीब सी चीज़ है कोई आदमी लग रहा है यार। तो हमें कुछ इशारे कर रहा है वो, देख कुछ इशारे कर रहा है। चल 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 झुक रहा है, वो झुक रहा है। चल 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 देखते हैं। नीचे गया जो भी था, जो तो झाड़ियां बहुत घनी सी, जंगलों में चल रहा है। देख आवाज आ रही, देख आवाज आ रही है। हाँ 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 चलने की आवाज, चलने की आवाज, चलने के बाद है। और देख गया भी कहाँ से, जहाँ पे ये देख कैसे निशान सा बना हुआ है, रेड रेड दिख रहा है जैसे। और देख पेड़ कोई है नहीं यहाँ पे, और ये निशान सा बना रखा है नीचे जाने का। कौन है कोई दिख जाना, पकड़ लियो। देख देख कोई है नीचे, कोई है नीचे, कोई है कुलदीप। वो क्या वो देखो 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 अरे देख आ रहा है, देख कुलदीप आ रहा है, कुलदीप आ रहा है, कुलदीप आ रहा है। वो आपको एक लाइट दिख रही है ब्लू ब्लू सी, वो फार्म हाउस का बोर्ड है एंड वहीं पे फार्म हाउस है। एंड हम देखो इस रोड पे मैं और कुलदीप यहाँ पे हैं तो यार। और इस तरफ ही जो भी था वो भी था, कंफर्म नहीं कुलदीप कैसे क्या लगता है कि क्या था? कुछ ढंग से दिखाई नहीं पहली बात तो यार, दूर का काफ़ी इंसान था, दूर था। और वाइट मैं तो जा रहा हूँ, मैं देख के आ रहा हूँ। ओ मेरे हिसाब से भाई देख, वो बंदा जो भी है हमें वहाँ से और यहाँ लेके आ गया इतनी दूर से यहाँ, ठीक है। और वो ये चाहता है कि हम उसके पीछे पीछे जंगल में जाएं। एक लास्ट बार ना वहाँ तक देख के आ रहा हूँ, ठीक है। तू चल रहा है? मैं यहीं पे खड़ा हूँ जा। क्या हो गया? कोई दिखाएगा तुझे? अरे हाँ यार, पेन गेट चुप गया मेरे यहाँ पे। क्या चुप है? अरे मैं झुक के देख रहा था ना। देखा ये टहनी का ही है? नहीं 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 टहनी है यार, टहनी का निशान नहीं है भाई ये। अभी ये देखो इधर इधर इधर
सीधे चल रहा है। टहनी का निशान नहीं है भाई ये, तू निकल भाई यहाँ, निकल भाई यहाँ से निकल। क्या हुआ, निशान अलग है क्या? निशान बहुत अलग है, मैं तेरे को दिखाता हूँ भाई। टहनी टूनी का निशान नहीं है भाई, निशान अलग है। यही तो रख रहे हैं, पता नहीं ये शायद मेरे को लग रहा है कि कांटों से लगा था, क्योंकि मैं ना उस पर घुस गया देखने के लिए, बट ये कुलदीप कह रहे हैं कि कांटों का निशान नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। कांटों के निशान ऐसे होते नहीं यार, बट मेरे को लग रहा है क्योंकि ना मैं ऐसे ही वो ऐसे को देख दस कर ऐसे ना, ये जैसे ये टहनियाँ है ना, ऐसी टहनियाँ थी, मैं उसमें घुस मतलब मैं घुस गया देखने के लिए एंड वो लग गया जहाँ तक मुझे लगता है। बट ये कह रहा है कुछ अजीब निशान है, कैसे निशान है मुझे भी नहीं पता। तो बोल मैं वीडियो ख़त्म करते हैं भाई, मेरे को अजीब सा लगा। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत ही अजीब हो रहा है हमारे साथ।